So, ये कुछ इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हैं वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग समझना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये सारे जो की वर्ड्स हैं टर्म्स हैं हमने यूज़ किए हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कल्पर दिस बुक में इन डिफरेंट चैप्टर्स पहला वर्ड है दिस ए गेट ये एक स्टोन का टाइप होता है ये फाइन ग्रीन वेरीगेटेड चैल के डोनी है दिस इज द वन इसके जो कलर्स होते हैं ये अरेंज होते हैं स्ट्राइप्स में ब्लेंडेड इन क्लाउड्स और शोइंग मॉस लाइक फॉर्म्स तो ये डेकोरेशन एंड ऑल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूज होता है सेकेंड जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड दिस अमालक अमालक का क्या मतलब होता है टेम्पल आर्किटेक्चर इसका मतलब है ये एक रिब्ड लेंटिकुलर ग्लोबॉइड पार्ट है रिजेंबलिंग द अमल अमल क्या होता है गूजबेरी फ्रूट होता है आंवला अमल प्राउनिंग द टॉप ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल शिखर यह शिखर है और इसके टॉप पे ऐसे अमालक होता है सेकेंड है अंडा अंडा मतलब होता है सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है टिपिकली ये यूज होता है बुद्धिस्ट स्तूपा में अंड टाइप दिस दिस डोम सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर अर्बेस क्यूक्यू ये बहुत स्टाइलिश आर्टफॉम है

डोर पे हैं एट डायरेक्शन में आयुध आयुध का मतलब होता है वो वेपन है हथियार बैटर बैटर मतलब स्लोप इन द वॉल मांडू में देखा हमने ये वॉल है वॉल में ऐसे स्लोप दिया है इसको सपोर्ट देने के लिए दैट इज कॉल्ड दिस बैटर बोधि सत्व बोधि सत्व का मतलब होता है बुद्धिज्म में बोधि सत्व टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध बोधि सत्व सत्व मतलब एसेंस बॉसेस बॉसेस का मतलब होता है जैसे एम्बोज है कोई चीज़ सर्कुलर एम्बोज डेकोरेशन है ये यूजुअली हम कहाँ पे करते हैं स्टोन में करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर के होते हैं लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ एन आर्क एंड विद इन दिस स्पेंड्रल दैट इज कॉल्ड दिस एम्बोज बोसिस ये है बुद्धिज़्म बुद्धिज्म रिलीजन है ओरिजिनेट हुआ था सिक्स सेंचुरी में बी में विध द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा बन ब्यूरिन का मतलब होता है पॉइंटेड टूल है ये सिक्सटींथ नहीं होगा दिस इज सिक्सथ पॉइंटेड टूल है फ्लिंट है स्टोन विद ट्रांसफर्स एज मेड अप बाय रिमूवल ऑफ वन और मोर फ्लेक ये ब्यूरिन ऐसे हमने एक टूल है फ्लिंट है वहां से हमने एजेस रिमूव कर दिए हैं फ्लेक्स परत निकाल दी है ये यूज होता है फॉर वर्किंग बोन एंटलर आइवरी एंड एंडप्स फॉर एनग्रेविंग करने के लिए तो ये क्या है एक टूल है पॉइंटेड टूल ऐसे नुकीला पॉइंटेड टूल सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा रिप्लेसिंग ए डी एन डोमिनी एरा ऑफ द लॉर्ड कैलीग्राफी कैलीग्राफी का मतलब है डेकोरेटिव हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है दैट इज दिस कैलीग्राफी में दीवालों पे टेम्पल्स में आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स में ऐसे कैलीग्राफी होती है जैन ये है कैट्यू सरा कैटर सरा दैट इज स्क्वायर ये स्क्वायर टाइप का यहाँ पे फाउंडेशन है ये यह यहाँ पे यूज हुआ है देन दिस इज छत्र छत्र मतलब होता है जैसे अम्ब्रेला में है किसकी छत्र छाया में है सो दैट इज दिस अम्ब्रेला अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ऑन टॉप ऑफ द स्तूपा में छतरीज भी ऐसे यहाँ पे छत्र बने होते थे स्तूपा के टॉप में छत्री होता है ये क्यूपुला है रेस्टिंग ऑन फोर पिलर्स है विद द डोम और पिरामिड शेप्ड रूफ दैट इज छतरी ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई थी छतरीज ये है चार बाग चार बाग मतलब फोर बाग ये स्क्वायर वॉल्ड गार्डन है डिवाइडेड इनटू फोर बाय इंटरसेक्टिंग वाटर चैनल मुगल आर्किटेक्चर बीच में ये है और ऐसे चार बाग है चैत्य आर्क मतलब होता है सेमी सर्कुलर आर्क है पॉइंटेड टिप है सेंटर में टूवर्ड्स द टॉप दैट इज चैत्य आर्क चैत्य क्या होता है चैत्य मतलब चिंतन प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन एंड वर्शिप बुद्धिज्म में चक्र जो होता है दैट इज कॉल्ड दिस व्हील व्हील मतलब सिंबल है यूज्ड फॉर बुद्धा फर्स्ट सरमन एट सारनाथ दिस चक्र धर्म चक्र परिवर्तन ये है चैम्फर चैम्फर एजेस होती है मतलब कट ऑफ कर दिया है एज और कॉर्नर को इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स सो दिस इज चैम्फर ये है छर्ट ये क्या होता है ये भी एक फ्लिंट लाइक मटेरियल होता है यूजुअली ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर होता है ये जो होता है कॉनकॉइडल फ्रैक्चर लाइक प्लिंट होता है इट इज नॉट सो फाइन टेक्सर्ड दिस इज अगेन चर्ट बिल्डिंग यूज होता है ये मटेरियल ये है शेवरॉन पैटर्निंग मतलब वी शेप्ड के ऐसे पैटर्न बनाए हैं ये है कॉर्बल कार्बल मतलब स्टोन या वुडन ब्रैकेट है ब्रैकेट मतलब जहाँ पे दो चीजों को इंटरलॉक कर रहे हैं अपन लेड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट अ कॉर्नाइस और एन आर्क कॉर्नाइस मतलब ऐसे जैसे बिल्डिंग्स में आप कई बार देखना छत में ऐसे बाहर निकला रहता है और ये इस तरीके से उसको सपोर्ट दे रहा है सो दीज आर कॉर्बल एंड कॉर्नाइज क्रिस्टल का मतलब होता है हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास है ऑब्जेक्ट है वेस्ल और ऑर्नामेंट है मेड ऑफ सच ग्लास ये डैडो पैनल है दादो पैनल मतलब होता है लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर वॉल है वैन इट इज फिनिश्ड डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉल इंटीरियर दिस वॉल का एक्सिलेंट एग्जाम्पल ये देखने को मिले थे हमें हॉसला टेम्पल में हेलबेट जमाली कमाली टॉम महरौली में और टर्किश सुल्तान के पैलेस इन फतेहपुर सीकरी आगरा में अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस डिजाइन एंड आर्किटेक्चर दरगाह मतलब क्या होता है ये होती है एक श्राइन सूफी सेंट की सेंट की ग्रेव है कॉल्ड दिस मजार इज लोकेटेड दैट इज कॉल्ड दिस दरगाह धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है फर्स्ट सरमन दिया है बुद्धा ने सारनाथ नियर वाराणसी में द्रविड़ मतलब ये द्रविड़ स्टाइल है साउथ में है पीपल कल्चर लैंग्वेज आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया दैट इज कॉल्ड द्रविडन ड्रेस्ड स्टोन है ड्रेस्ड स्टोन का मतलब है स्टोन विच इज़ कट टू साइज एंड पॉलिश मतलब उसमें कुछ वर्क किया है उसको पॉलिशिंग किया है तो वो हो गया ड्रेसिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन देन एनकाउस्टिक टाइल वर्क मतलब ये इनले किया है आपने सैरामिक्स में ऐसे और इनले वर्क यहाँ पर डेवलप किया है दिस इज फैंस का मतलब है ये ब्लू कलर का आर्टिफिशियल ग्लास लाइक मटेरियल है ये वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट ज्वेलरी में ये यूज़ होगा गहपति मतलब होता है गहपति पति ऑनर लैंड ऑनर बिग फार्मर इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड ट्रेड गहपति गर्भगृह मतलब होता है सैंक्टम सेंगटोरम जिसमें लॉर्ड रेस्ट करते हैं लॉर्ड का एक्चुअल यहाँ पे आइडल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है दैट इज दिस सैंक्टम सेंगटोरम गोपुरम मतलब होता है मेन गेटवे है स्टोरीड स्ट्रक्चर है ओवर द एंट्रेंस और एंट्रेंसेज में थ्रू द एनक्लोजिंग वॉल टू द प्रिमाइस ऑफ अ टेम्पल साउथ में हम देखते हैं गोपुरम है गेटवेज होते हैं ये एंटर करते हैं दैट इज गोपुरम हर्मिका जो होता है ये स्मॉल स्क्वायर फेंसिंग अटॉप है अंडा पे ये ऐसे था इसके ऊपर दिस तूपा में दिस डोम टाइप और यहाँ पे होती है हर्मिका सेमी सर्कुलर डोम और स्तूपा के यहाँ पे टॉप पे इमाम जो होते हैं वो पर्सन होते हैं हु लीड्स अ मुस्लिम कांग्रीगेशन इन प्रेयर्स पैसेज ऑफ टाइम दिस पोजिशन बिकेम हेरिडेटरी हो जाती है ये इन टैगलियों का मतलब है प्रोसेस ऑफ कटिंग डिजाइन इन टू द सर्फेस ऑफ अ स्मॉल हार्ड स्टोन और जेम दिस इज स्टाइल ऑफ कटिंग द स्टोन्स जगमोहन है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हॉल है इन फ्रंट ऑफ सेंचुरी और मेन टेंपल मेन टेंपल के आगे ये जगमोहन हॉल है ये टर्म यूज़ होता है टेंपल आर्किटेक्चर ओडिशा में जैनिज्म है मोस्ट एशियन रिलीजन माना जाता है पाथ ऑफ विक्ट्री जिना ओवर लाइफ स्ट्रीम ऑफ बर्थ रीबर्थ एथनिकल एथिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू सो दैट इज जैनिज्म जाली हमने पढ़ा था दिस इंडो इस्लामिक में परफोरेटेड लेटेस्ट स्क्रीनज हैं अरबेस्क्यू क्यों स्टार मोटिफ है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है पेंटागॉन्स है हेग्जोग ऑक्टागॉन एंड सर्कल दिस इज जाली जैस्पर क्या होता है क्वाड्स का टाइप होता है रेड येलो ब्राउन कलर का हो सकता है ज्वेलरी और ऑर्नामेंटेशन में यूज होगा जैस्पर जात का स्टोरीज होती है प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा में जाति मतलब कास्ट कलश मतलब होता है कलश पानी वेल दिस वाइड माउथ पॉट है ऑर्नामेंटल पॉट डिजाइन है ये डेकोरेट करता है शिखर टॉप ऑफ टेम्पल में की स्टोन है मतलब ये आर्क है ये मेन स्टोन है उसका अगर ये की हट गई तो आर्क गिर जाएगी सेंट्रल स्टोन है समिट ऑफ एन आर्क कोस मीनार होती है डिस्टेंस मार्कर कोस मतलब यूनिट ऑफ डिस्टेंस माइल स्टोन इन द शेप एंड साइज ऑफ टॉवर कुटा मतलब होता है श्राइन और स्क्वायर प्लान का है लैपिस लैपिसजुली एक रिच ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन होता है मेन सोर्स है एशियन वर्ल्ड वॉज द माउंटेन ऑफ दिस बाद शाह नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ये लापिस लजुली मिलता था फ्रॉम वेयर इट वॉज ट्रेडेड वाइडली लापिस है ये इनले डेकोरेशन में यूज होता है ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी एंड सील्स में लिंगा मतलब होता है दिस इज पैलेस ये फॉर्म है लॉर्ड शिवा का इनका वर्शिप होता है देन महामंडपा मतलब महा बिग हॉल इन टेम्पल महा परिनिर्माण इसका मतलब है डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा लिबरेटिंग हिम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ मंडप का मतलब होता है हॉल मकबरा होता है मैसोलियम या टूम मेडेलियन होता है सर्कुलर डिस्क इस टाइप के स्पैंड्रल्स हैं आर्क्स हैं मोटिव कैलीग्राफी में ऐसे डेकोरेशन में ये यूज होते हैं मेहराब का मतलब है ये प्रेयर नीश है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का मक्का का डायरेक्शन बताता है प्रेयर नीश इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का दैट इज मेहराब मिम्बार मतलब है स्टेप्ड पुलपिट है जामा मस्जिद में फ्राइडे मॉस्क में जहाँ पे खुतबा रीड किया जाता है देन मुखलिंगा मतलब फैलस है विद फेस मल्टीपल फॉलियशन मतलब मैनी कावज हैं इन द आर्क म्यूराल मतलब होती है पेंटिंग वॉल्स में केव्स में बिल्डिंग्स में टेम्पल्स में फ्रेस्को या एनी अदर स्टाइल में दैट इज कॉल्ड दिस म्यूराल नगारा जो होता है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर होता है देन नक्कर खाना नक्कर खाना मतलब ये ड्रम हाउस है सेरिमोनियल म्यूजिक होगा दिस म्यूजिक होगा खाना मतलब सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री टाइप होता है ये ड्रम हाउस है म्यूजिकल होगा यूजुअली सिचुएटेड ओवर द गेट पॉपुलर फीचर था ये मुगल पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में कारखाना टाइप मुगल पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में दिस इज खाना ये है नाट्य मंडप नाट्य मतलब डांस डांस हॉल है फ्रॉम पार्ट ऑफ टेंपल में राग मंडप पंचयाटन पंचयाटन इंपोर्टेंट है मेन टेंपल है और चार सब श्राइन है पांच हो गया तो दैट इज दिस पंचयाटन देन ये है पेंडेंटिव पेंडेंटिव का मतलब होता है ट्रायंगुलर ब्रैकेट है एंगल दो वॉल को ऐसे ज्वाइन करने में कनेक्टिंग द बेस ऑफ द डोम टू इट सपोर्टिंग आर्क में ऐसे यहाँ कॉर्नर में पेंडेंटिव देन ये होता है फमसाना मतलब बिल्डिंग्स टेम्पल्स हैं विच टेन टू तो बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लेटीना टाइप ये हमने टेम्पल्स में देखे थे दीज आर बिल्डिंग टेम्पल्स जो शॉर्टर और ब्रॉडर हैं देन लटीना टाइप दैट इज फमसाना बिल्डिंग्स पित्रा दुआ मतलब होता है पिक्टोरियल मोजाइक वर्क है यहाँ इनले हो गया है बहुत सारे स्टोन्स ब्यूटिफुल सेमी प्रीशियस स्टोन्स का फाउंड होते हैं वॉल में सेनोटॉफ में मार्बल जालीज में और ताजमहल में भी ये देखने को मिलते हैं पित्रा दुरा पॉली मतलब बहुत सारे क्रोम मतलब कलर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क कम्पोज और डेकोरेटेड इन मैनी कलर प्रदक्षिणा मतलब प्रदक्षिणा ऐसे वॉक कर रहे हो सर्क्यूम्बुलेशन किबला लिवान होता है वॉल हो है मॉस्क का इन द डायरेक्शन ऑफ मक्का मक्का की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो वॉल है मॉस्क में दैट इज कॉल्ड दिस किबला लिवान किला एक होना मस्जिद कहाँ पर है यह हुमायूं शेर शेर शाह है पंद्रह में ये लोकेटेड है इनसाइड पुराना किला दिल्ली में क्वार्ड्स जो हो गया है ये स्टोन फाउंड होता है मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में टूल मेकिंग अगेन स्टोन है टूल मेकिंग में ये यूज़ होता है सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट में भी ये यहाँ पे अजेट चैलकोडनी चर्ट फ्लेंट ओपल रॉक ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी रेखा प्रसाद हमने देखा था लेंटल होता है ये लैटीना टाइप ये टाइप ऑफ टेम्पल होता है स्क्वायर शिखर होता है इसमें टॉप में ऐसा नहीं स्क्वायर शिखर होता है एंड एट द बेस में स्क्वायर शिखर एट द बेस में और वॉल कर्व होती है स्लोली इनवर्ड्स इनवर्ड्सो टूवर्ड्स द टॉप में ऐसे रेखा प्रसाद ये है रूपकर या शिल्पी इसको आर्टिसन बोलते हैं सभा मंडप मतलब असेंबली मंडप हॉल सार्सैनिक मतलब होता है कि स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है पॉपुलर विद मुस्लिम्स हैं वेस्ट एशिया में

इंडियन टैक्स मैनुअल है जो बता रहा है कि कैसे आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया जाता है दिस इज काइंड ऑफ बुक शिल्प टेक्स्ट श्रमण का मतलब होता है ये बुद्धिस्ट या जैन सेक्ट है हुज फॉलोवर्स यूज टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऐसे घूमते हैं दैट इज कॉल्ड दिस श्रमण सोवर्निटी का मतलब है ऑथॉरिटी है रूलर का स्टेट का टू गवर्न हिमसेल्फ वो इंडिपेंडेंट है नोबडी एल्स वुड डिक्टेट दैट टर्म्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है सोवरन है स्पेंड्रल्स का मतलब है ट्राइंगुलर स्पेस है बिटवीन टू साइड्स और आउटर कर्व्स एक आर्क में रेक्टेंगुलर एनक्लोजर होता है दैट इज कॉल्ड दिस स्पैंड्रल्स स्क्विंच मतलब होता है आर्क है दो कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर के बीच में है एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर अ डोम गोल गुंबद डोम दिस इज स्क्विंच स्टेटाइट अगेन क्या होता है एक स्टोन होता है ग्रेइश और दिस ग्रीनिश स्टोन होता है सॉफ्ट होता है तो ईजीली फिगर आइन बन सकते हैं वेसल सील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फिर ये है स्टेलेट स्टेलेट क्या है ये आर्क नेट्स हैं रेडिएटिंग पैटर्न स्टार की तरह इस टाइप के ये भी टेम्पल में हमने देखा था स्टेलेट ये स्थपति है दैट इज आर्किटेक्ट हुआ स्तूप क्या होता है ये मूंड है माउंट लाइक स्ट्रक्चर है कंटेनिंग रेलिक्स बुद्धा के रेलिक्स अवशेष है बुद्धिस्ट मॉन्ग के वर्शिप बाय बुद्धिस्ट सु आर्ट होता है मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ऐसे यहाँ पे आपने आर्ट बनाया है कोटिंग बनाया है इस पर फिर आपकी पेंटिंग्स भी कर सकते हैं सुजरैनिटी का मतलब है सोवर स्टेट है कंट्रोल ओवर अनादर रूलर स्टेट होगा इंटरनली ऑटोनॉमस होगा तो दैट इज कॉल्ड दिस सुजरैनिटी कंट्रोल ओवर अनादर रूलर स्टेट दैट इज इंटरनली ऑटोनॉमस सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली जैसे ब्रिटिशर्स अपनी सुजरानिटी करवाते थे इन लोकल रूलर्स पे टैबलेट है दिस इज शेप्ड सेपरेट पैनल है रिप्रेजेंटेशन है बियरिंग एन इंस्क्रिप्शन और इमेज टेराकोटा क्या होता है ये मतलब बेग्ड अर्थ है फेयरली कॉस पोरस क्ले होता है कलर रेंजिंग फ्रॉम डल दिस रेड टू दिस ऑकर दैट इज दिस टेरा कोटा बेग्ड अर्थ मिट्टी जो होती है ना उससे बनता है ये बट उसको बेक कर लेते हैं तो वो हार्डन हो जाता है कॉर्स पोरस क्ले हो सकती है डेसेलेशन का मतलब है डेकोरेट करना वॉल्स को फ्लोरस को मोजाइक से और जो तोरण क्या होते हैं ये तोरण होते हैं काव सर्पेंटाइन शेप्ड सेरेमोनियल गेट वे दिस गेट वे गेट वे जहाँ से आप टेम्पल में एंटर कर रहे हो दैट इज तोरन ये बुद्धिज्म में देखा था स्तूपा में टोरन होते थे प्रेफॉइल मतलब थ्री कर्व्स हैं आर्क में टर्कोइज एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है स्काई ब्लू पेल ग्रीन कलर का होता है बहुत प्राइज्ड है ये ज्वेलरी में एंशियन स्कल्पचर में वल्ला भी एक टाइप ऑफ नगारा टेम्पल है वंगा मतलब होता है एशियन नेम ऑफ बंगाल वंगा वर्ण मतलब फोर फोल्ड डिवीजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्चन शुद्रा जो एंशियन टाइम में होता था वेसर मतलब ये टर्म यूज इंडिपेंडेंट स्टाइल के लिए यूज होता है टेम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्य के टाइम पे कर्नाटका में वेसर मतलब होता है नगारा प्लस द्रविड़ा का कॉम्बिनेशन विहार मतलब मयूर विहार टाइप दिस इज प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क तो विहार मतलब रेसिडेंस होता है का मतलब होता है हैविंग अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद अ रूफ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग और रूफ है राइजेज इन टू अ वॉल्टेड चैम्बर देन विमान विमान का मतलब है सुपर स्ट्रक्चर है गर्भगृह ऑफ श्राइन्स इन द साउथ इंडियन टेम्पल में दैट इज दिस विमान विमान साउथ इंडिया में विमान होते हैं देन वॉल्यूट का मतलब है दिस इज स्पायरल ऑर्नामेंट और अ पिलर है देन दिस इज दैट इज वेज शेप्ड है टैपर्ड स्टोन है यूज टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क ये ऐसे इंडो इस्लामिक में हमने ये देखा था टेपर्ड स्टोन यूज हुआ था आर्क बनाने में व्रता का मतलब है व्रत दिस इज व्रत सर्कुलर यक्ष और यक्षिणी होते थे ये डेमी गॉड्स डेमी गॉडेज होते थे प्रोटेक्टेड ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज तो ये जो जितने वर्ड्स हैं दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन लाइनर्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर बुक सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ